पुलिस लाइन में मंगलवार को 3 दिवसीय महिला दिवस शुरू हुआ। पहले दिन विभाग में अच्छे कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसमें 1 पाकबड़ा की उपनिरीक्षक तो 4 महिला थाने की आरक्षी थी। अधिकारियों ने उनको सम्मानित कर उनको भविष्य में इस तरह के काम करने की सलाह दी। इस दौरान अधिकारियों समेत सभी थानों के पुलिस फोर्स पुलिस लाइन में मौजूद रही। 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस है। यूपी पुलिस महिला दिवस को 3 दिन तक मनाएगी। डीजीपी ओपी सिंह ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सभी जनपदों में ये कार्यक्रम 5 दिन चलेगा। मंगलवार को पहले दिन मुरादाबाद पुलिस ने महिला दिवस मनाया। पुलिस लाइन में थानों की फोर्स रोमियो स्क्वाड टीम महिला सहायता प्रकोष्ठ की आरसी समेत एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव, एसपी देहात उदय शंकर सिंह, एसएसपी अपर्णा गुप्ता और सीओ कोतवाली पूनम मिश्रा समेत विभाग के अन्य अफसर मौजूद रहे। अधिकारियों ने पुलिस फोर्स समेत सभी लोगों को महिला दिवस से संबंधित कानून साझा किए। इस दौरान विभाग में अच्छे कार्य करने और समय से काम का निपटारा करने वाली 5 महिलाओं को सम्मानित किया। इसमें महिला थाने में HM ममता रानी, आरसी प्रतिभा पवार, सोनिया तोमर, अंकिता पांडे और उपनिरीक्षक मंजम थाना पाकबड़ा को सम्मानित किया। ये DGP महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है 3 दिवसीय, जिसमें आज जो पुलिस कर्मी हैं हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारीगण, उन सबको जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, कैसे बच्चियों महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रखें, क्या क्या कानूनी प्राविधान हैं, उनको जागरूक करना था, उनको बताया जाना था और आगे के प्रोग्राम के बारे में उनकी ब्रीफिंग की जानी थी। सर, एक तरफ तो महिला सम्मान का हो रहा है यहाँ पर, इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में हमारे जिन महिला कर्मियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं, उनको आज सम्मानित भी किया गया है इस मंच से, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम भविष्य में भी समय समय पर चलते रहेंगे और इस दिशा में पुलिस के द्वारा सार्थक कदम उठाए जाते रहेंगे। सर, सवाल यह है कि एक तरफ तो महिला सुरक्षा को लेकर के ये प्रोग्राम हो रहे हैं, दूसरी तरफ महिला जो उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं पुलिस की नज़रों में। देखिए, उत्पीड़न के मामले बढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं, बल्कि उत्पीड़न के प्रत्येक के मामले को ईमानदारी और पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपको प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा हो, किंतु मामले बढ़ नहीं रहे हैं, वास्तविकता में मामले घट रहे हैं।